दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। जब भी इस दुनिया में किसी रहस्यमय जगह की बात होती है तो बरमुडा का जिक्र होना लाजमी है। यह दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में शुमार है, जिसे आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है और ना ही कभी सुलझा पाएगा, क्योंकि जो रहस्य इस दुनिया का है ही नहीं, उसे आखिर मनुष्य कैसे सुलझा सकता है। ना जाने कितने ही शिप्स और एयरप्लेन्स को यह दैत्य रूपी सागर अपने गर्भ में समा चुका है। एक बार जो इस सागर की सीमा में पहुंच जाता है, वह कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन हाल ही में हुई रहस्यमय घटना में सबको हिला कर रख दिया है। वह हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक जहाज 100 साल के बाद इस रहस्यमय बरमुडा ट्रायंगल की दूसरी दुनिया से लौटकर धरती पर वापस आ गया। चलिए जानते हैं इस अनहोनी के बारे में, लेकिन सबसे पहले जानते हैं इस दूसरी दुनिया के बरमुडा ट्रायंगल के बारे में। मान्यताओं के अनुसार यह रहस्यमय क्षेत्र है जहां पर एयरप्लेन्स और शिप्स लापता हो जाती हैं। 1964 में एक पत्रिका ने इस इलाके में हुई इतनी सारी घटनाओं के बाद इसे बरमुडा ट्रायंगल का नाम दे दिया था और तब से इस क्षेत्र में पत्रकारों की कलम चलती ही आ रही है। यह बरमुडा त्रिभुज, जिसे शैतान के त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में है और जैसे ही इसके क्षेत्र में कोई भी चीज आती है, वह इस दुनिया से गायब हो जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह घटनाएं मानव कृत्य और प्रकृति के भी परे हैं, जिसे इस दुनिया में कोई अंजाम नहीं दे सकता, तो फिर यह करता कौन है? वैज्ञानिक इसे इस दुनिया से परे मानते हैं। क्यूबा के कोस्ट गार्ड के दफ्तर ने अचानक इस बरमुडा ट्रायंगल में से किसी चीज के संकेत अपने सोनार पर आते हुए पाए और वह संकेत उसकी तरफ ही बढ़ते हुए आ रहे थे। जैसे ही उस कोस्ट गार्ड ने यह देखा, वह बुरी तरह घबरा गया और उसने इमरजेंसी सिग्नल अपने उच्च अधिकारी को भेज दिया। आप सोच रहे होंगे कि इस घटना में ऐसा घबराने वाली बात क्या थी, क्योंकि कोस्ट गार्ड का काम ही होता है कि आने और जाने वाले जहाज को जानकारी दे, तो फिर यह कोस्ट गार्ड जहाज को अपनी ओर आते देखकर इतना बौखला क्यों गया? दरअसल इस कोस्ट गार्ड को बरमुडा ट्रायंगल की तरफ लगाया गया था ताकि वह कोस्ट गार्ड इस दूसरी दुनिया के बरमुडा ट्रायंगल में जाने वाले जहाजों को रोक सके, ताकि उनकी जान बच जाए, क्योंकि आज तक जो इस दूसरी दुनिया के बरमुडा ट्रायंगल में गया है, वह कभी लौट कर नहीं आया। और यही कारण था कि जिस दुनिया से कभी कोई लौट कर नहीं आया, वहां से कोई चीज आज अचानक कैसे आ रही थी। कोस्ट गार्ड के इमरजेंसी मैसेज भेजते ही उसके सारे उच्च अधिकारी हथियार और लड़ाकू पनडुब्बी लेकर वहां पर आ गए। जैसे ही वह चीज बरमुडा ट्रायंगल के क्षेत्र से बाहर निकलकर उनके पास पहुंची, उसे देखकर वहां पर मौजूद हर आदमी हैरान और स्तब्ध रह गया, मानो उन्होंने भूत देख लिया हो। यह जहाज था SS कोटोपैक्सी, जो आज से 100 साल पहले बरमुडा ट्रायंगल में समा गया था। उस समय इस जहाज पर 2300 टन कोयला था और कप्तान को मिलाकर 32 लोग सवार थे जो इस जहाज पर थे। लेकिन अचानक 100 साल के बाद यह जहाज
उस दुनिया से वापस हमारी धरती पर आ गया था, जहां से आज तक कोई भी लौट कर नहीं आया। इस जहाज पर जाने की और जांच पड़ताल करने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। बड़ी देर तक अधिकारियों ने उस जहाज पर कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आखिर कोई देता भी कैसे, जहाज पर कोई जिंदा होगा तभी तो जवाब देगा। घंटों तक इस जहाज की रेकी करने के बाद उन्होंने हिम्मत करके जहाज पर खुद जाकर जांच करने की सोची। जैसे ही वह लोग जहाज पर चढ़े, उन्हें उनके कार्गो शेड में 2300 टन कोयला, जो गीला हो चुका था, वहीं का वहीं पड़ा मिला, जिससे यह साबित हो गया कि बर्मुडा ट्रायंगल में इंसानी हाथ तो नहीं है, वरना कोयला चोरी जरूर हो जाता। यानी इससे यह साबित जरूर हो गया कि इसमें हो ना हो दूसरी दुनिया का हाथ ही है। उस जहाज पर किसी की लाशों के अवशेष तक नहीं मिले, लेकिन सिर्फ एक चीज मिली और वह थी उस जहाज को चलाने वाले कप्तान की लॉग बुक, जिसमें वह हर एक घटना को लिखा करते थे कि जहाज पर सफर करने के दौरान जो जो घटती थी। इस लॉग बुक से इस जहाज को बनाने वाली कंपनी का पता चला तो उन्होंने बताया कि यह लॉग बुक असली है और यह जहाज भी असली है जो 100 साल की पहले गायब हो गया था। इस लॉग बुक की जांच में हर एक दिन का ब्यौरा लिखा हुआ है, लेकिन आज से 100 साल पहले 1 दिसंबर से आगे का कोई रिकॉर्ड नहीं लिखा है। आखिरी रिकॉर्ड में यही लिखा था कि रात हो चली है और सभी क्रू मेंबर्स ने खाना खा लिया है। इसके आगे लिखा था रात के 2 बजे हैं और आसमान में हमने 5 से 6 जगमगाती हुई रोशनी देखी हैं, जो हमारा पीछा कर रही हैं। अगर यह समुद्री लुटेरे हैं, तो हमारा क्रू लड़ने को पूरी तरीके से तैयार है। सभी हथियार शिप पर एक्टिवेट कर दिए गए हैं। बस इसी लॉग बुक के आगे कुछ नहीं लिखा था। अब यह उन लोगों के लिए सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है, जो कहते हैं कि उन्हें दूसरी दुनिया के लोगों के धरती पर आने का विश्वास ही नहीं होता। और जिन लोगों को सामने शेर दिख रहा हो और वे अपनी आंखें बंद करके बोलें कि कोई शेर वेर नहीं होता, तो उनकी बात ही निराली है। दोस्तों, उम्मीद है कि इतनी मेहनत से बनाया गया वीडियो भी YouTube की काली दुनिया में ही कहीं खो जाएगा। इसीलिए जो थोड़े बहुत लोगों को भी यह वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आखिर क्या हुआ होगा उस जहाज के साथ बर्मुडा ट्रायंगल में? यह मानव जाति के लिए एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाना असंभव है। आज तक इतने सारे जहाज इसमें समा चुके हैं, लेकिन वह जाते कहां हैं? यह ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों में से एक है। क्या वाकई यह बर्मुडा ट्रायंगल दूसरी दुनिया का कोई दरवाजा है, जैसे कि कोई वॉर्म होल, कि जैसे ही कोई इसके क्षेत्र में पहुंच जाता है, वह धरती से परे किसी और दूसरी दुनिया में चला जाता है और वहां क्या क्या होता है यह शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, आप लोगों को धरती पर मौजूद इस साक्षात दूसरी दुनिया के दरवाजे के बारे में क्या लगता है, कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भी जरूर बताइएगा। आज के भाग में इतना ही। दोस्तों, बड़ी मेहनत से हमने यह वीडियो बनाया है, लेकिन उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो भी YouTube की इस दुनिया में ही कहीं खो जाएगा। लेकिन फिर भी जब तक हमारी बैटरी रहेगी, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे और आशा करेंगे कि हम आपको अपने अगले भाग में भी देख पाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।